सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, यूजर PB2SG1PI6P का यहाँ पे सवाल है। गेम स्टेट 2024 नंबर 1, आप कहाँ रहते हो भाई? भारत में। ओके, नंबर 2, आपका नाम नितिन है? यस। नंबर 3, आपने अपने फर्स्ट चैनल लूसिफो गेमर पर वीडियो डालना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आते एंड वो चैनल डेड हो चुका है या फिर शेडो बैन हो चुका है, शायद ऐसा ही कुछ उसके संग हुआ है, तो इसीलिए मैं उस चैनल पर वीडियो नहीं डालता। ओके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल उसमें मैं फिर से वीडियो डालना शुरू करूँगा, कुछ ऐसा रेगुलर नहीं, लेकिन हाँ कभी डाल दिया करूँगा, जैसे कोई स्पेशल गेम अगर कुछ आया तो डाल दिया करूँगा उस पर। आपने अपने रियल सिफू चैनल क्यों बंद कर दिया? भाई अगर इतना पता है इसका मतलब यू आर वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर, तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो अभी तक बने रहने के लिए। हाँ, सो यहाँ पे वो चैनल मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि वो मैंने मेन माइनक्राफ्ट के लिए क्रिएट किया था वो चैनल, लेकिन माइनक्राफ्ट ही मैंने खेलना छोड़ दिया क्योंकि भाई माइनक्राफ्ट खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए, एक एक ब्लॉक रखना, भाई मेरे में इतना पेशेंस बिल्कुल नहीं है। मैं GTA खेल लेता हूँ, लेकिन माइनक्राफ्ट, भाई माइनक्राफ्ट के लिए ना एकदम बहुत ज़्यादा आपको देर तक खेलना होता है एंड मैं कोई गेम 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकता, फिर मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेल पाया एंड इसीलिए मैं वो चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाया। ओके, यही सवाल था क्या? ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे अरब भारद्वाज का यहाँ पर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, यू नो दैट जोसेफ सोलोमन इज अ हॉरर कैरेक्टर, सो वी सी हिज हॉरर एडवेंचर। हॉरर कैरेक्टर है वो? भाई ये अभी कंफर्म नहीं है कि जोसेफ एक हॉरर कैरेक्टर है कि नहीं, ये तो एक मिस्ट्री है ना कि जोसेफ सोलोमन अच्छा इंसान है कि सच में बुरा है वो। तो अगर वो हॉरर कैरेक्टर है ऐसा पता चलता है अगर हमें इस ICE Scream 8 के अपडेट में, तो फिर मुझे लगता है भाई जोसेफ सोलोमन का एक सेपरेट गेम आना चाहिए कि उसके ज़माने में उसने किस तरीके से बच्चों को किडनैप किया था। भाई सोचो जोसेफ सोलोमन का गेम प्ले, रॉड के फादर का, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो भाई मज़ा आ जाएगा, हॉरर एडवेंचर जोसेफ सोलोमन का हमें देखने को मिले, इससे अच्छा क्या है। ओके, नंबर 2, वी सी द रूम वेयर रॉड इज, बट वॉट अबाउट अदर एरियाज वेयर वी डिड नॉट गो। भाई कौन से एरिया, नाम बताते एरिया का तो और अच्छे से बता पाता, लेकिन हाँ जिस रूम में रॉड है वो एकदम ही अलग है एंड वो मुझे लगता है कहीं दूसरी ही जगह पे है एंड वो रॉड का हम उसे हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं, जहाँ से रॉड पूरा नज़र रखता है हर किसी पे, एंड पिंक रूम, यस। उसके अलावा और कौन कौन सी जगह है भाई? वही पुरानी सारी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद और भी एरियाज हो सकते हैं ICE Scream 8 के अपडेट में जो कि हमें देखने को मिले, लेकिन वो एरियाज मुझे लगता है फैक्ट्री रिलेटेड नहीं होंगे, वो रॉड और जोसेफ सोलोमन की लाइफ से रिलेटेड होंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम जोसेफ और रॉड के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि एंडिंग है तो एंडिंग में मुझे नहीं लगता कि गेम प्ले ज़्यादा हमें करने को मिलेगा, बट कटसीन हमें बहुत देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू प्ले अदर गेम लाइक रोब्लॉक्स, फ्री फायर और अदर गेम्स? ऑब्वियसली भाई मैं खेल सकता हूँ, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर ये गेम ट्राई करूँगा, एंड स्पेशली अगर आपको रोब्लॉक्स की वीडियोस चाहिए तो भाई इस चैनल के कमेंट सेक्शन में अभी बता दो एंड भर दो रोब्लॉक्स, अगर आपको सच में रोब्लॉक्स देखना है तो, क्योंकि रोब्लॉक्स मैं खेलता हूँ एंड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपलोड उसे इसलिए नहीं करता क्योंकि इस चैनल पर रोब्लॉक्स के गेम प्ले मुझे नहीं लगता मेरी ऑडियंस देखेगी, अगर आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इट कैन बी इवन पॉसिबल दैट मिस्टर मीट विल ऑल्सो गो इन फैक्ट्री व्हेन रॉड डाइज एंड स्टोल द रेसिपी। हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता ऐसा, एंड हो भी सकता है, लेकिन मिस्टर मीट का रॉड से अभी कोई कनेक्शन ऐसा दिखा नहीं है, तो देखते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक इसमें यही पूछा जा रहा है कि जो 2 किट्स हैं यानी माइक और जे, ये दोनों अकेले मिलके इतने सारे किट्स को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए ये लोग नेबरहुड जाएंगे एंड वहाँ से एक बाइक साइकिल वगैरह कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे वापस आएंगे, तो हाँ हो सकता है ऐसा। ओके, ICE Scream 8 के इस अपडेट में मैप क्या क्या हो सकता है ये भी बताया है, लेट्स सी, सर्कस हो सकता है, रॉड फैक्ट्री, पुलिस स्टेशन, नेबरहुड, जोसेफ नेबरहुड, कैंपिंग, लाइब्रेरी और मे बी अदर मैप, प्लीज टेक माय क्वेश्चन एंड डिस्कस टू योर चैनल। ले लिया भाई सवाल। ओके, सो हाँ ICE Scream 8 की नए अपडेट की लोकेशंस में हमें ये सारी जगह देखने को ज़रूर मिल सकती हैं, पुलिस स्टेशन, यस पॉसिबल है, अगर रोड को हम लोग अरेस्ट करवाएंगे तो हो सकता है हम लोग पुलिस से कॉन्टैक्ट करें, एंड कैंपिंग एरिया,
कैंपिंग एरिया का फिर से क्या देखने को मिल सकता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सर्कस, क्योंकि देखो वो ओल्ड लेडी वाला जो रूम है ना, वो भी अब इस गेम में मतलब कुछ ऐसा उसका कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उसका फ़ोटो वहाँ पे भी है एंड काफ़ी जगह हमें देखने को मिला है। तो हो सकता है सर्कस भी एक बार हम फिर से जा सकें। एंड रॉड की फैक्ट्री, यस ये तो मेन है भाई, रॉड की फैक्ट्री तो मेन है। एंड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मुझे नहीं लगता क्योंकि लाइब्रेरी जैसा कुछ है नहीं इस फैक्ट्री में, बाकी देखते हैं क्या क्या होगा। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है एंड इसमें काफ़ी बढ़िया थ्योरी है ये। तो चलो अगले सवाल पे जाते हैं अभी। ओके अगला सवाल यहाँ पे पनारियन का, मुझे लगता है हम रॉड को और उसकी फैक्ट्री को उड़ाएंगे बॉम्ब से। देखो रॉड की फैक्ट्री को हमें पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा, ये तो ज़रूरी है, तभी रॉड का दी एंड माना जाएगा। अगर ऐसा होता है कि हम लोग आइसक्रीम 8 के अपडेट में सिर्फ रॉड को किल करके आ जाते हैं एंड फैक्ट्री यूँ ही अगर हम छोड़ के आ जाते हैं तो ये भी बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि रॉड कभी भी वापस आ सकता है ना। अगर फैक्ट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो समझो आइसक्रीम का आगे कुछ सीन बन सकता है आगे फिर से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमने रॉड को भी और उसकी फैक्ट्री को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आइसक्रीम के आने की, उसके मतलब नए सीजन के आने की। तो यह हो सकता है हम रॉड की फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ा दें, लेकिन अगर ये सीन होता है, अगर रॉड की फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ाने वाला सीन होता है भाई, तो ये बहुत ही बेस्ट होगा एंड मज़ा आए वैसे देखने में। ओके गाइस सो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी बच्चों के सवाल लेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।